हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे मिष्ठान फूड्स के बारे में। जानते हैं रिजल्ट कैसे आए हैं और आगे क्या टारगेट हो सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए कल के लिए जैकपॉट शेयर जो कि 1 डे से 10 डेज़ में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। कल के लिए भी जैकपॉट शेयर रेडी है, आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो हमारी टीम मैनेज करे जो कि राइट टाइम पे एंट्री करती है, राइट टाइम पे एग्जिट करती है और आपके पोर्टफोलियो को रखते हैं प्रॉफिट में, तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। फ्रेंड्स, मिष्ठान फूड्स जिसका आज का रेट था 8 रुपीज़ 21 पैसा एंड 52 भी खाया था 14 रुपीज़ 40 पैसा। काफ़ी उम्मीदें हैं सबको क्वार्टर रिजल्ट से, आइए जानते हैं कैसे है। मार्च 2022 में रेवेन्यू था 153 करोड़। दिसंबर 2022 में रेवेन्यू बढ़कर हो गया था 164 करोड़ और अभी मार्च 2023 में रेवेन्यू आया है 169 करोड़, 153 करोड़, 164 करोड़ और 170 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर क्वार्टर रेवेन्यू बढ़ते हुए दिखा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो रहा है 15%, 14% एंड 14%। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कॉन्स्टेंट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बात करेंगे नेट प्रॉफिट की, तो मार्च 2022 में नेट प्रॉफिट था 13 करोड़, दिसंबर 2022 में आया था 14 करोड़ और अभी मार्च 2023 में भी आया है 14 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बढ़ा है और क्वार्टर क्वार्टर कांस्टेंट है, तो मिष्ठान फूड्स का जो रिज़ल्ट है ये अच्छा कहा जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ धमाकेदार आया है, बट ठीक ठाक आया है, मतलब कम से कम रेवेन्यू एंड प्रॉफिट घटा नहीं है, तो ये पॉजिटिव है। बट अभी तेज़ी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हम लोग, जब राइट इशू का रेट और सब रिकॉर्ड डेट आएगी जब ज़रूर शेयर में तेज़ी देखने को मिलेगी, बट लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा तो इसको आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि जब भी इसके अंदर इथेनॉल का प्लांट इनका शुरू होगा तो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मल्टीपल टाइम्स हो जाएंगे, जब तो बहुत ज़्यादा तेज़ी रहेगी, जो कि 6-8 महीने में प्लांट शुरू होने की उम्मीद है, वो हिसाब से भी आप लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा तो मिष्ठान फूड्स को थोड़ा बहुत होल्ड कर सकते हो। और राइट इशू का जैसे ही रेट आएगा जो कि करंट रेट से डेफिनेटली कम रहेगा, तो उसमें उसके कारण भी इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो कुछ दिनों तक आपको वेट करना पड़ेगा राइट इशू के लिए। और ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, पेनी स्टॉक बोल के अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा तो थोड़े बहुत शेयर्स उठा के आप रख सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।